नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विकास के नाम पर शहर में जबरदस्त पेड़ काटने को लेकर लोग आक्रोशित हैं। इसको लेकर सामाजिक संस्थाएं पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पर ग्रीन विदिशा मूवमेंट के तहत की जा रही है, जिसमें विधायक शशांक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला प्रशासन, फॉरेस्ट का अमला समेत शहर के सभी सामाजिक संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने सुबह की शुरुआत सैकड़ों की तादाद में पौधे रोपित कर संकल्पित कि बहुत आवश्यक होगा, तभी विकास के नाम पर पौधे काटे जाएं, अन्यथा उन्हें बचाने की मुहिम अब जनता जनार्दन करेगी। सहयोग से और इसके अलावा जो भी हमारे महत्वपूर्ण एनजीओ हैं, जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, सब लोगों के सहयोग से ये कोशिश हो रही है कि विदिशा शहर को हरा भरा किया जाए। इसी संदर्भ में जो है आज कलेक्ट्रेट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था और यहाँ पे वृक्ष लगाए गए हैं। यहाँ पे अभी कलेक्ट्रेट जो है नया शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे पेड़ पौधों की बहुत कमी है, तो उसको दूर करने के लिए आप सभी के सहयोग से ये काम हो रहा है। शहर में भी कम से कम 10,000 पौधे लगाने की इस बार कार्य योजना है और पूरे ज़िले में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 1,00,000 पौधे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, सब जगह मिला के लगाएँ, ताकि जो है पर्यावरण को बचाया जा सके। विदिशा से विजय रघुवंशी, विद्रोही की रिपोर्ट।